नमस्कार, पूज्यनगरी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे. आता बातम्या पाहूया विस्ताराने. पूज्यनगरी न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. जमियतुल उलेमा ए हिंदच्या परंडा शाखेच्या वतीने दिनांक 25 मार्च रोजी परंडा शहरातील मंडई पेठ येथे पानपोई सुरू करण्यात आली. या पानपोईचे उद्घाटन पोलीस उपनिरीक्षक आर ए मोमीन यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी तालुका अध्यक्ष मौलाना जफर काझी, एमआयएमचे तालुका अध्यक्ष जमील पठाण, हाफिज करपुडे, हाफिज सकलईन, गफार शेख, नासिर शेख, नुसरत करपुडे, जुल्फिकार काझी, ऍडव्होकेट जफर निजे जिनेरी, इरफान शेख, रियाज शिकलकर, मृतुजा पठाण, शेख अजहर, पठाण सर्वर, फारुख शेख, जमीर शिकलकर आदींची उपस्थिती होती. उन्हाची तीव्रता वाढली असून शहरात येणाऱ्या नागरिकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची गैरसोय दूर करण्यासाठी थंड पाण्याची पानपोई सुरू करण्यात आली आहे. मनुष्य असो किंवा प्राणी असो, तहानलेल्या जीवाला पाणी पाजणे पुण्य असल्यानं पानपोई सुरू करण्यात आल्याचं मौलाना जफर काझी यांनी सांगितलंय. अल्लाह का एहसान है, करम है कि हमारे जमियत के तरफ से ये पानी की सबील जिसे पानपोई कहते हैं वो जारी किए, और इसमें बहुत सारे फवायद भी हैं. देखो, खिदमत से खुदा मिलता है. जितनी हम कौम की खिदमत करेंगे, चाहे पानी के एतबार से हो या दीगर चीज़ों के एतबार से हो, ये पानी एक खिदमत है. और कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दौर था कि पानी की किल्लत थी, और पानी के लिए सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन से दरख्वास्त की थी कि पानी के कुएँ खोदने के लिए. सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात को कबूल फरमा कर कई कुएँ खुदवाए थे, जिसके ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के सवाबात बतलाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उस कुएँ का पानी पिया जिस कुएँ को सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने खोदा था. तो इस बात की फिक्र हमको भी करना है कि हमारी जितनी इस्तेताअत है, जितनी ताकत है, हम कौम की खिदमत करें, लोगों को पानी पिलाएं, और इसमें बहुत ज़्यादा सवाब है. कल हदीस के अंदर यूँ आता है कि कल क़यामत के अंदर एहसान के बदले में अल्लाह जन्नत पे देगा. जैसा कोई किसी शख्स ने किसी को पानी पिलाया, तो अल्लाह ताला कहेंगे कि दुनिया में उसने तुझे पानी पिलाया था, तुझे इख्तियार है कि अल्लाह के उसको इख्तियार दे देंगे, तो उसने पानी पिलाने के बदले में अल्लाह उसको भी जन्नत दे देगा. इससे बहुत सारे फवायद हैं. तो अल्लाह ने एक हमसे काम लिया कि जमियत, और जमियत का काम ऐसा नहीं कि अपने देहात के हद तक, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसके अंदर काम करते हैं जमियत उलमा वाले, यानी आज़ादी से पहले से आज तक मेहनत कर रहे हैं, और अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को, उनके कुर्बानियों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए. और इसी तरह हमारी एक कोशिश है पानी की, इंशाल्लाह इससे ज़ायद हम कोशिश बात की करेंगे. हम अपनी कौम की, हमारे अपने शहर की इसी लाइन से इंशाल्लाह खिदमत करेंगे. भाई, इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ. सोलापूर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या पाहण्यासाठी पूज्यनगरी न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा.